नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनंदन मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले और वो भी बहुत मज़ेदार वो सब वीडियोज़ आपको टाइम पर मिले इसके साथ आपको वैलेंटाइन डे का ऑफर पता है ना आपको अपनी एक खूबसूरत सी वीडियो बनाकर हमें भेजनी है जो एक मिनट की हो एक मिनट से ज़्यादा वीडियो मत भेजिएगा जिसमें आप जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार का इजहार करें लेकिन प्लीज़ हमेशा ना आप जो मेरे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देते हैं उसमें सोच समझ के कमेंट्स दें मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई एम अ मैरिड वूमेन एंड इसलिए जो भी आप कमेंट्स दें आई आई मस्ट से कि आप मैं आपकी वैलेंटाइन हो सकती हूँ बट अच्छे कमेंट्स के साथ आप मुझे मुझसे अगर बात करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि याद रखिए नारी का सम्मान जहाँ होता है वहीं पर इंसान का मान होता है तो आप जब भी मेरी वीडियोज़ पर कमेंट्स करें सोच कर कमेंट्स करें हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी ना लगे मैं आपको ना लगू लेकिन शब्दों का चयन सोच कर करें ना कि मेरे लिए बल्कि सबके लिए क्योंकि किसी भी नारी का अपमान आपके भविष्य को बर्बाद कर सकता है तो आप अपनी वीडियो जरूर बनाकर भेजें और के अंदर ज़रूर कि ऐसी वो कौन सा टॉपिक और बात है जिस पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं जिस विषय मैं वीडियो प्लस आपका वैलेंटाइन कौन है बहुत सारी जगहों पर खासकर मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि इसे वैलेंटाइन डे ना बनाया जाए इसको माता पिता दिवस बनाया जाए तो ठीक है भाई माता पिता दिवस बना लेते हैं जस्ट गिव मी सम मैसेज एंड वीडियो फॉर योर पेरेंट्स फॉर मी फॉर एनी वन फॉर देश दुनिया किसी भी चीज़ के लिए किसी भी टॉपिक पर आप बोलिए हम आपकी वीडियो एक्जैक्टली अपने चैनल पर चलाएंगे और आप देखेंगे डॉक्टर वाई राखी के चैनल पर पूरी दुनिया को जी हाँ ये यूट्यूब चैनल लंडन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका सब जगह दिखाई देता है जहां भी आप दिखना चाहें तो आप जल्द से जल्द हमें वीडियोज़ भेजिए फरवरी के फर्स्ट ऑफ वीक से हम आपकी वीडियोज़ अपने चैनल पर चलाना शुरू कर देंगे आज का विषय पूर्णिमा आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया राखी जी कि पूर्णिमा का व्रत कैसे रखते हैं और क्या करते हैं इस पर आप एक वीडियो बनाइए मैंने एक पर भी वीडियो बनाया था आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप प्लीज वीडियो बनाइए काल सर पर तो आप प्लीज ध्यान से मेरी वीडियोस को ढूंढिए काल सर पर मैं वीडियो बना चुकी हूं लेकिन आपकी डिमांड पर मैं काल सर पर फिर से बात करूंगी आने वाले वीडियोज में इसीलिए कहती हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि देश दुनिया की सारी बातें पॉजिटिव बातें संस्कृति भारतीय सभ्यता की बातें अपनों की बातें और हंसी मजाक यही मिलेगा आपको क्योंकि ऐसी बातें मैं ही करती हूं आपके साथ पूर्णिमा का व्रत हरि विष्णु के लिए रखा जाता है पूर्णिमा मतलब समझते हैं ना फुल मून जिस दिन पूरी चांद की रात होती है महीने में एक बार ऐसा होता है पूर्णिमा का व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है क्योंकि किसी के भी पति को सम्मान आप देंगे तो याद रखिए उसकी पत्नी बहुत खुश होगी आपके पति को अगर कोई अवार्ड मिले तो आपको कैसा महसूस होता है प्राउड फील होता है ना बहुत अच्छा फील होता है ना ऐसे थैंक यू गॉड करने का दिल करता है ना तो वैसे ही अगर आपको सीरियसली लक्ष्मी का प्यार चाहिए लक्ष्मी चाहिए धन और दौलत चाहिए तो आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए फुल मून का व्रत रखने के तरीके सुबह उठें संकल्प करें संकल्प करने के बाद गंगा जल हाथ में लें कि मैं इस साल पूरे साल व्रत रखूंगी जिस भी महीने से आपने शुरू किया उस महीने से लेकर अगले महीने अगले साल उसी महीने तक उसी पूर्णिमा पर आप संकल्प करके व्रत रखना आरंभ करें इस बीच में अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए और सूतक लग जाए या जन्म हो जाए तो आप व्रत नहीं रखेंगी अगर आपके वो पाँच दिन चल रहे हों महावारी के तो आप वो व्रत नहीं रखेंगे उस टाइम पर व्रत को छोड़ देंगी हरि विष्णु जी की तस्वीर लेकर ना की मूर्ति लेकर एक लकड़ी की जो होती है पटरा एक चौकी उस पर रेड कलर का या येलो कलर का कपड़ा बिछाती थी और बिछाने के बाद आप उसके ऊपर हरि विष्णु की तस्वीर रखिए गाय के घी का दिया जलाइए पीले फूलों की माला अर्पण कीजिए साथ में कलश स्थापित कीजिए और व्रत रखने का संकल्प लेकर ये पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह करना है आपको क्या करना है सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है ठीक है पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं आपको इसके अंदर जो पंजीरी बनती है ना जब घर में बेबी पैदा होता है तो अक्सर दादियाँ नानियाँ माँ बनाती हैं सासू माँ बनाती हैं तो आपको आटे का या सूजी का आपको पंजीरी बनानी है उसके अंदर केले काट कर रखने हैं पंच मेवा बना लेके आना है बाज़ार से पांच तरह के मेवे और पंच अमृत बनाना है जिसमें आप दूध दही घी ये स, शहद चीनी ये सब चीज़ें मिलाएंगे पंच में कुछ लोग गंगा जल भी मिला लेते हैं लेकिन पांच चीज़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैं वीडियो के अंत में वो पांचों चीज़ें आपको गिनवा दूँगी चलिए अभी गिनवा देती हूँ नंबर वन है शहद लेना है दूध लेना है दही लेना है घी लेनी है और चीनी लेनी है ये पांच चीज़ें मुट्ठी के अंदर बंद करके एक बड़े से प्यारे से कलश में स्टील के आपको भगवान के लिए ये चीज़ें तैयार करनी है इसमें तुलसी दल जरूर डालना है हर बार पूर्णिमा पर एक नया तुलसी का पौधा लगाकर हर लेकर आइए हरि विष्णु जी की तस्वीर के पास रखिए कथा कीजिए आरती कीजिए उसके बाद उस तुलसी के पौधे को अपने घर के बाहर लगा दीजिए एक गमले में आप कई तुलसी अभी लगा सकते हैं चार पाँच छः नहीं तो अगर आपके घर के पास जगह कम है तो इस तुलसी के पौधे को आस सोसाइटी के किसी मंदिर में आप लगा दीजिए इससे आपके हाथ से हर महीने तुलसी का दान भी हो जाएगा व्रत रखिए रात्रि में चांद निकले चांद के दर्शन कीजिए चांद को अर्क दीजिए और उसके बाद भोजन कीजिए भोजन घर के सभी लोगों को कराकर करें तो बेहतर नहीं तो किसी भूखे को या बड़े बुजुर्ग को भोजन कराकर ही भोजन करें अगर आपको कोई तकलीफ है बी है शुगर है इस बीच में आपको दवाई लेनी पड़ती है तो आप दवाई ले सकते हैं पर पूर्णिमा के व्रत में खाना ही खाते हैं बिना लहसुन प्याज के जैसे आप दाल भिंडी रोटी आलू चावल कड़ी कुछ भी बना लीजिए लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक ही समय में भोजन करें शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और तबीयत ठीक नहीं है आपका साथ नहीं दे रही है तो ऐसे में आप दोपहर में भोजन कर लीजिए चंद्रमा को शाम को अर्घ दे दीजिएगा और जो प्रसाद आपने बनाया था सुबह जो मैंने आपसे पंजीरी बोली जो मैंने आपसे बोला कि आटे का चूरमा बनाते हैं उसी से पहले आपको व्रत को खोलना है यह अनिवार्य है तुलसी दल आपको जरूर उस दिन खाना है यह भी अनिवार्य है अगर संडे वाले दिन पूर्णिमा पड़ रही है तो तुलसी के पत्ते तोड़कर पहले से अपने पास रखिए यह भी अनिवार्य है सत्यनारायण भगवान की पूजा इसमें खासकर होती है रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है व्रत रखते वक्त दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए निंदा से बचना चाहिए और जिस चीज के लिए आपने व्रत रखा है उस व्रत के बारे में मतलब कोई आपकी विश हो तो आप भगवान हरि विष्णु की मूर्ति के सामने तस्वीर के सामने वो विश जरूर बोले संभवता हो सके तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर पूर्णिमा का व्रत रखकर जरूर जाएं संभवता हो सके तो पीले रंग के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े ही पूर्णमाशी पर पहनने चाहिए पूर्णिमा का व्रत कभी भी बिना सर धोए मतलब शैंपू किए बिना नहीं रखना चाहिए तो शैंपू करके कर ही व्रत रखें क्योंकि आप शादीशुदा हैं और अगर आप हस्बैंड के साथ सो भी रही हैं तो आप पवित्र नहीं होती सुबह उठकर पवित्र होने के लिए गंगा पीकर पी गंगा स्नान करके सर धोकर ही इस व्रत को रखें और अपने घर में अगर सासू माँ हैं

अपने साथ फेरे भी याद करिए आपने साथ फेरों में कहा था कि आप उनकी मर्जी के बिना कोई व्रत पूजा अर्चना मंदिर कहीं नहीं जाएंगी तो उन सात फेरों में एक व्रत ये भी एक फेरा आपका एक वादा था तो फिर ऐसा व्रत कभी पूजा में लगता नहीं है किसी को नाराज करके कोई पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए तो एक साधारण सीधे शब्दों में मैंने आपको पूर्णमाशी के व्रत रखने की एक तरीका एक विधि बताई इससे ज़रूर करें ईश्वर करें मेरे सभी दर्शक जिस भी कारण से इस व्रत को रखना आरंभ कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हरि विष्णु लक्ष्मी की कृपा आप पर बने लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं और इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इसमें से कुछ भी ना कर सकें मन में संकल्प करें व्रत रखें पूरा दिन फल खाएं अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं भी कर पा रहे तो आते ही जाते गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम में इसे सुन लीजिए क्योंकि आप विदेश में रह रहे हैं और उसके बाद भी आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें याद कर रहे हैं तो आप अमेरिका लंदन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं भी रहते हैं तो आपको पूरा फल मिलेगा शाम को आके परिवार के साथ एक समय का भोजन कर लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप जरूर करें पंच मेवा जरूर खाएं पंचामृत जरूर पिए इससे आपके अंदर हमारा शरीर भी पंच धातु से बना है तो जो भी इनबैलेंस होता है ना ग्रह वो बैलेंस हो जाता है परिवार वालों को भी ये पंच जो पंच मेवा है वो जरूर खिलाएं मतलब पांच तरह का मेवा और पंचामृत ज़रूर पिलाएं इससे आपके रिश्ते अच्छे होंगे और जिनको अपने बाल लंबे चाहिए उन्हें पूर्णमाशी वाले दिन अपने हाथों से थोड़े से बाल कैची से चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर काटना चाहिए ये एक टोटका है जो छुप करना चाहिए इससे आपके बाल लंबे काले घने हो जाएंगे और आप खूबसूरत हो जाएंगे फिलहाल दीजिए इजाजत नमस्कार अपना ध्यान रखिएगा ऑल द बेस्ट